आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है, कृपया सिर्फ महिलाएं ही इसे देखें। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आपकी लाइफ में हमेशा हर कोई ज़िंदगी में फील करता है, और ऐसा ही होता है, लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही रह गई हैं, कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो सिर्फ वर्किंग वूमेंस बनकर रह गई हैं, और कुछ का हाल ऐसा है कि जो वर्क भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं और बीच में ही फंस के रह जाती हैं। अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। जो बचता है, जैसे बच्चे अगर कुछ खाना खाते हैं और अगर वो छोड़ देते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं, माएँ क्या करती हैं, उसी का जूठा जो बचता है वो खा लेती हैं। सबके घर के जितने सदस्य हैं सबको खाना देने के बाद आखिर में जो खाना बचता है वो जैसा भी हो, ठंडा हो जैसा भी हो, वो खा लेती हैं, एडजस्ट कर लेती हैं। क्यों? एक्चुअली में बात है कि जूठा खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे वो अपने बच्चे का ही क्यों ना खाएं। प्लैनेट्स प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हमें किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम खुद के साथ ही ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं कि जो भी बचा हुआ खाना है वो हम खा लेते हैं, अपने लिए उठाकर जितना पोर्शन बाकी सबको देते हैं उसे कम पोर्शन हम क्यों लेते हैं। तीसरी चीज़, खाना अगर सबको ही गर्म खा रहा है साथ में बैठकर तो आखिर में ही महिलाएं क्यों खाएं, साथ में बैठकर तो खा सकती हैं। सब लोगों का खाना बच जाता है उसके बाद उनको एनर्जी नहीं रहता कि वो अपने खाने को गर्म करके अच्छे से बैठ के खाएं, लेकिन ये हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपने आप को अगर इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे या आप अपनी ज़िंदगी में अगर ऐसा फील करती हैं कि सब कुछ बचा हुआ ही अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़िंदगी भर बचा हुआ ही आपको मिलेगा, तो ऐसी चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। महिलाओं को अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है। तो हमें सब कुछ लेकर चलना है, फैमिली जो है उनको भी लेकर चलना है। कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आदि शक्ति का रूप होती हैं, तो अपने आप को क्यों हम लोग पीछे रखते हैं या फिर इम्पॉर्टेंस ही नहीं देते खुद को। कुछ चीज़ें हमें बदलनी ज़रूरत है। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो अक्सर हम गलतियाँ कर देते हैं, महिलाएँ गलतियाँ कर देती हैं, या बहुत समय में ऐसा होता है कि हम हमेशा किसी न किसी की बुराई करते हैं, जैसे कभी सास की बुराई कर दी, कभी ननद की बुराई कर दी है, या फिर किसी नेबर्स के बारे में कुछ बुरा बोल दिए, महिलाएं ही महिला के बारे में बोलती हैं, प्लस हम अपने औरा को और भी ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, प्लस जो चीज़ें अच्छी चीज़ें होने वाली है उसे भी हम नेगेटिव में बदल देते हैं। क्या करके? ताने मार के। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुआ तो शुरू हो जाती है महिला, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। किसी से भी अगर मान लीजिए एक लड़का लड़की का अफेयर चल रहा है, झगड़े हो गए, दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें सड़क पर ला दूँगी, मैं तुम्हें ऐसा कर दूँगी वैसा कर दूँगी, नहीं कहना चाहिए, नेगेटिव ना बोले, ताना ना मारे, किसी की भी निंदा ना करें जिससे आपका राहु खराब होता है, इसे खराब ना करें, क्योंकि जैसा आप यूनिवर्स को दोगे आपको वही लौट कर आने वाला है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपको तकलीफ दे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे महिलाओं का जो स्पेशल 5 डेज जो होता है, मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। बहुत सारी महिलाएं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लोग कपड़े का व्यवहार करते थे, कपड़े को ही सुखा कर उसे धोकर फिर वापस यूज़ करते थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, वो हाइजीनिक नहीं होता। आज के डेट में तो बहुत कुछ आ गया है, विस्पर वगैरह आ गया, तो ये चीज़ों का समस्या अभी नहीं है, बहुत ही एडवांस ज़माने में हम रहते हैं, थैंक गॉड कि हमें वो कष्ट फील नहीं करना हुआ। तो कुछ भी हो जाए, उन 5 दिनों की स्पेशल कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। पहली चीज़ ये कि आप अपने यूज़ किए हुए विस्पर या कुछ भी जो आप यूज़ करते हैं उसे ऐसे ही रास्ते पे ना फेंकें, उसे एक प्लास्टिक में या कागज़ में मोड़कर उसको फेंकें, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको कोई क्षति करने की कोशिश करेगा तो वो चीज़ लेके आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका कोई नियरेस्ट दुश्मन है, जो भी है, जैसे कि कोई भी हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, अक्सर घर के लोग ही ऐसा करते हैं, किसी का कोक बन गया, बच्चा नहीं हो रहा है, किसी का प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीज़ों को लेकर जादू टोना टोटका बहुत कुछ होता है। तो इन चीज़ों को ऐसे ही ना फेंकें, इसको कवर करके अच्छे से फेंकें। और दूसरी बात ये कि आपको किसी को भी अपना डेट शेयर ना करें, क्योंकि जिसके मन में अगर आपके प्रति कोई शत्रुता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको वो बहुत कुछ नुकसान कर सकता है, आपको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, या वो चाहे तो उन 7 दिनों में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे जादू टोने टोटके होते हैं जैसे काम करवाने से आपकी कोख भी बन सकती है, आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं, या आपको कोई बड़ी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ कभी किसी के सामने ना करें, उन डेट्स के बारे में किसी को ना बताएं।
दूसरी चीज़ जो आप यूज़ करते हैं उसे आप कोशिश करें कि किसी को बिना बताए उसको फेंकने की, कि आप किसी के सामने फेंके ना। और भी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, जाते वक्त आपको ऐसी कोई चीज़ अगर मिल जाए रास्ते में तो उसे लांगिए ना, उसे लांगना भी नहीं चाहिए। अगर आप उसे लांगते हैं तो जिस लेडी की वो चीज़ है उसकी सारी बीमारियाँ वो आपके अंदर आ जाती हैं, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसे अवॉइड करें। और जैसे मान लीजिए कि आपको उन दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को भी अपनी फीट टच करने ना दें, अपना जो भी कपड़ा है वो खुद ही धोकर खुद ही पसारे, किसी और को वो कपड़ा ना दें, क्योंकि वो कपड़े के द्वारा भी बहुत सारे काम की जा सकती है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो लाइफ में ये जो अधिकतर प्रॉब्लम्स मेरे पास, काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है नॉर्मल है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम स्पेशली बहुत जगहों पर अंदरूनी तो बीमारियां हो सकती है, लेकिन इसके अलावा कई सारे जादू टोने टोटके होते हैं जो इस वक्त करवाए जाते हैं, और अपने ही लोग ये सब ज़्यादा करते हैं, तो इसका ध्यान रखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वशीकरण का जो काम होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका यूज़ किया हुआ जो चीज़ है वो अगर कोई और अगर ले लेता है, उसको लेकर कोई और भी आपको वशीकरण कर सकता है या आप उसके अंडर में पूरा आ सकते हो, तो उन सामानों का आपको ध्यान रखना है, उसे ऐसे ही बाहर ना फेंके। और इसके अलावा गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जो फ्रूट का जूस होता है वो सारा सेवन करें और अपना ध्यान रखें। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो अधिकतर वो मुझसे ऑनलाइन पे कंसल्टेंसी ले लेते हैं, जिन्हें आके लेना है, मैं कोलकाता में रहती हूँ, कालीघाट और बैरकपुर श्याम बाज़ार में मेरा चैम्बर है, आप आके मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप कमेंट पर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई देने का। और वीडियो को अगर आप शेयर लाइक करते हैं तो जानिए दूसरों का भला अगर आप करते हैं तो आपका खुद का भला भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फेसबुक पर मैं एस्ट्रो पूर्णिमा के नाम से हूँ, वहाँ पर जाके भी मेरे पेज को फॉलो करिए। और आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ होगा, मंगलमय होगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।